गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। सो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, वही अपने बेस्ट वाले फार्म हाउस नहीं, गेस्ट हाउस से, मस्त वाले। सो रात को मैंने एक जुगाड़ कर दी थी, पानी आ रहा था, मैंने देखा और यहाँ लगाई पहली बाल्टी। मेरे बाद पीछे पीछे सबने एक एक चीज़ उठा उठा के लगा दी ताकि सुबह नहाने के लिए आराम रहे। सो दो दिन से हम नहीं नहा पा रहे थे, पर आज हम ढंग से नहा पाएंगे क्योंकि पानी अपने पास है भर भर के। ओहो, और ये भाई साहब यहाँ पता है क्या कर रहे हैं? आई बता रहा हूँ क्या करते हैं, क्या कर रहे हो भाई? भाई नाच रहे हो। हाँ। क्यों भाई? बस मन कर रहा था नाचने का। भाई ये टमाटर काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि ये कर रहे हैं भारी वाली बचत, क्योंकि इन्हें पैसे बचाने हैं आगे ट्रिप के लिए, लंबी ट्रिप करने के लिए। सबको कमाई कम होगी ना, इसलिए सबसे ज्यादा कमाई अभी आपको एक बत्तरे से बुलाता हूँ, उनकी कम हुई है। और खाना मैं आज से दिन का भी खुद का बना रहे हैं, क्योंकि यार खाना सही बताओ ना, दाल मिलती हो पतली वाली, बहुत बेकार सी लगती है। और पैसे बचाने का कोई सीन नहीं है, बस सीन ये खाना बढ़िया मिल जाएगा ना, इसलिए सबसे आप पैसे बचाते हैं ये आदमी। सर मेन रीजन पता क्या है, कल आप कितने ढाबों पे गए थे, क्या खाना अच्छा नहीं मिल रहा था यार? खाना क्या मिल क्या रहा था? पीली दाल मिलती, वो भी पूरी उबली उबली। मैं क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, हम क्यों नहीं हर एक ढाबे पे जा रहे थे? अरे हाँ यार, बीफ मिलती है ढाबों पे यार, कैसे खाएंगे? बड़ी मुश्किल से एक बिहारी भाई का ढाबा, बिहारी भाई का ढाबा मिला था, वहाँ पे बीफ नहीं थी तो वहाँ खाया था हमने। बार बार नाम क्यों ले रहा है? फिर आज हम कुक कर रहे हैं अपना, और वैसे भी हमें शाम को ना भाई ने प्लास्टिन बीन्स की सब्जी बनाई थी, क्या टेस्ट थी यार। और मेरा काम है इनको देखना, और जो इनका सामान चाहिए वो दुकान से लाके देना, इनके लिए पानी। भाई साहब प्रांत इनकी बल्ली नहीं मिली है? नहीं मिली? नहीं, दाल बन रही है। ओए नहीं मिली? नहीं मिली, कर दिया ना शौक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओहो हो, यहाँ बन रहा है अपना खाना लगातार, पता नहीं कितने दिन हो गए अपन को, 15-20 दिन लगातार खाना बनाते बनाते, ठीक है। और अब मुझे लगता है अब मैं घर जाऊंगा ना तो घर वाले भी बोलेंगे खाना बना, तो यार अब तो जिंदगी टफ हो चुकी है, खाना बना बना के जिंदगी गुजरेगी अब मेरी। अरे भगवान, कोई बात नहीं, ये भी एक कला की सुकून है खाना बनाना, वो भी अपने हाथ से और फिर खाना। सो दोस्तों किसी को बताना मत, हमने ना पानी गर्म कर लिया है केटल में, ठीक है, और पानी लेके जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है। गरम गरम पानी से नहाएंगे आज, आज फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही है, पूरा इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखो बाल्टी, देखो तीन तीन बाल्टी से नहाने वाले, किसी को बताना नहीं है। ओहो, नहाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है, मज़े से नहा के आता हूँ। भाई जीरो वैली से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अभी आया था जस्ट बाहर, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था मेरा, तो मैं एक टावर के पास आया था, यहाँ टावर लगा हुआ है तो सिग्नल अच्छे आ जाए और जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए, इसलिए टाइम हो रहा है 9:30। मेरा रेगुलर टाइम है 8 बजे, 8:30 बजे तक वीडियो आ जाने का, पर लेट हो गया क्योंकि मैं वीडियो अपलोड लगा के छोड़ दिया था, मैंने सोचा था अपलोड हो जाएगी लेकिन वहाँ नेटवर्क कम होने वजह से अपलोड नहीं हुई है। कोई बात नहीं, नहा धो के तैयार हो चुके, सोना मुंडा बन चुके बढ़िया वाला, बस इंतजार कर रहे वीडियो अपलोड हो जाए फिर चलते हैं वापस, आनंद ले रहे मौसम का, आप भी ले लो जब तक। सो जस्ट अभी हम वीडियो अपलोड करके लौटे हैं और देख रहे हो आप, खाना वाना खा के सबने सफा चट कर दिया है, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया गया? पता नहीं था ना आप शाम को वापस आओगे, कल सुबह आओगे। भाई वीडियो अपलोड करने की गारंटी तो आपने दी थी 15 मिनट में हो जाएगा, अब वो हुआ आधे घंटे में। 15 मिनट कब के हो चुके हैं? 9 बजे गया था, 10:30 बजे आ रहा है। नहीं नहीं, पौन घंटे में अपलोड हुआ, उसमें शो भी होता है तो चलो तभी आधा घंटा ज्यादा लगा है ना। हाँ वही तो। ओहो ओहो, कितने तेजस्वी लोग है, देख रहे हैं, खाना पी खा पी के नहा के भी आ गए हैं। मेरा इंतजार नहीं किया गया खाने के लिए? तेरा कब तक इंतजार करते भैया, अपनी बारी भी आएगी। सो हम निकलने के तैयार हुए थे, सामान वान पैक कर लिया था, पगड़ी भी बांध ली थी, बाकी सब भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, लेकिन बारिश देख रहे हो, बारिश वापस आ गई है। ओहो हो हो, लग रहा है जीरो जाना देना नहीं चाहता मैं यहाँ से, एक चाय तो बनती है फिर बारिश में। ये क्या है? पता हम नाच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, बल्ले पार्टी देगा सुबह यार, पार्टी होने वाली है, कैमरे के सामने पार्टी है, चलो भाई बाहर साथ ही दुकान है, जो मर्जी अपनी इच्छा से ले जा सकते हैं। सो दोस्तों खुशी और नाच तो लिया, पर पार्टी होनी चाहिए ना कुछ। सो मैं ना सब भाइयों के लिए अपने लिए केक लेके आता हूँ, ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से, छोटा मोटा केक तो होना चाहिए ना,
है कि नहीं भाई? यस यस, बट हमने काफी बोला है तभी जा रहा है भाई। ये बदनामी ज्यादा करते हैं भाई। ऐसे नहीं भाई हैं। पता है एक बात बताऊं, अपने सबसे दिल से अच्छे भाई है ये अपने जितेंद्र भाई, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों हेल्पफुल बहुत हैं। ये भाई भी काम बहुत करते हैं। वैसे लोग सोचते हैं कि बड़े यूट्यूबर होते हैं तो हेल्प नहीं करते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये नौटंकी तो नहीं कर रहे पीछे से, बाद में देख लियो कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छे आदमी है। तो ऐसे कुछ केक मिल चुके हैं अपने, और अपनी पार्टी बना लेंगे इन्हीं केक से। सो ये शॉप्स पे ना यही सब अवेलेबल था, तो जो अवेलेबल है वही ले लेते हैं। केक्स है सारे, ड्राई केक्स है, तो इससे ही पार्टी बना लेंगे आज हम अपनी। काफ़ी है सारे दोस्तों के लिए, ले चलते हैं उनको भी, खुशियाँ बांटते हैं। मेरे को ना जब कुछ खुशियाँ वाले दिन आ जाते हैं ना, मन करता पार्टी वार्टी करने का, मज़ा आता है ना उसमें काफ़ी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा मज़े ढूंढ लेता हूँ मैं। अपनी मॉनेटाइजेशन ऑफ हुई थी और अपने आप ऑन भी हो गई, तो खुशी बनानी बनती थी ना यार। फाइनली हम केक लेके आ चुके हैं, देखते हैं। ओहो भाई साहब केक, थैंक यू। ओहो ये इधर सुस्त पड़े और वो उधर सुस्त पड़ा है। प्राणी आ जाओ, केक लेके आया है, आ जाओ आ जाओ। ये भाई बीमार हो गए आज यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो क्या बात हुई, तुम पार्टी नहीं दोगे तो हम देता है। कहने के बाद भाई जी लेके आगे भाई भी लेते हैं, लाए के हैं। कर क्या होगा, मैं कैस करता हूँ। ब्रेड केक में ब्रेड कौन सा है? केक वही है वो ब्राउन कोको वाला। मेरी फेवरेट चीज आई नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। मिली नहीं वहाँ पे गजक, नहीं थी हम खाएगा गजक, मिली नहीं वहाँ पे गजक। सारे खत्म करके आ गया यहाँ पे, रात को ली थी हमने। क्या इसकी बारिश तो ना तेरे पास ही थी, मैंने तो एक दो ली थी, एक पहले खाई, बाकी तेरे जेब में पड़ी थी, तो दो ही मैंने ली, तो फिर दो तू दो खा गया, दो मैं खा गया। ओ काफी टाइम बारिश खत्म हो गई तो। पर मुझे किसी ने गजक नहीं खिलाई भाई, ये बड़ी बेईमानी है। तू कहाँ खाता है यार? क्या लेके आया भाई फाइनली? ओहो मैं बहुत सारे अलग अलग केक लेके आया। कुछ कहना चाहते, कुछ कहना चाहते हो आप? अभी कुछ नहीं करना, खाना बस खाना है भाई। खाना चाहते हैं भाई, कुछ बोलो 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 जल्दी बोलो। कट नहीं करना, भाई के 10,000 होने वाले हैं, फिर से पार्टी आने वाली है। भाई के 100 सब्सक्राइबर होने पे पार्टी मिलेगी। अभी 6 हैं, अभी ओरिजिनल वाले 6 हैं। चैनल का नाम बता दे, 100 हो जाएंगे। बताओ बताओ, बता दे बता यार। नहीं नहीं अरे बता भाई यार, तू जो किसका बर्थडे भाई? हमारे भाई का बर्थडे आज, किसी का भी बर्थडे टू यू। अरे आई स्टॉप, हां तू भी कर दे, मैंने हाथ लगाया नहीं है कभी अभी। ओ ये हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तू तो ब्रेड खाता नहीं है, केक मैं रनिंग कर रहा हूँ, कम खाऊंगा, बाकी केक नहीं खाऊंगा। ओ मम्मी हाथ काट गया। लाओ यार तुम हाथ पहले कटा लेते हैं, ये हमारा दिगंत भाई, ये हमारा जितेंद्र भाई। ये बन गई हमारी पार्टी, यहाँ पे जो अवेलेबल था उस हिसाब से बढ़िया वाली पार्टी बना ली हमने। अब दे दे अब दूसरा भी खा, अच्छे वाले केक खा ले, मैं खा लेता। मेरा इंतजार ही नहीं किया, पहले ही खा ली काटने से, इतना सा बच्चा है, मैं खा लेता हूँ, बाद में मिलते हैं खाने के बाद। सो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली है भाई। कोल्ड ड्रिंक इतनी कम क्यों लेके आए? जितनी कंपनी वाले देते हो उतनी लेके जा, कैसे ले? अच्छा ठीक है फिर। दोस्तों देख रहे हो ना कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है और एक गजक भी आ गया मीठा। ओहो भाई को भेज दिया था हमने अभी और सामान लेने के लिए, थोड़ा बहुत सामान कम पड़ रहा था तो वो भी मंगा लिया। ओहो हो गजक, प्रमोशन हो गई भाई। ठंड पड़ रही है, पार्टी बन रही है तो कोल्ड ड्रिंक जोस्ती पिलाई जा रही है। अगले को ठंड है, बुखार है, लेकिन उसे कोल्ड ड्रिंक पिला, जोस्ती पीनी पड़ेगी। इसको भी बुखार है, इसको भी बुखार है, लेकिन पिला रहे जबरदस्ती, पी भाई। जब साथ है और यहाँ आ चुकी है अपनी कोल्ड ड्रिंक, अपन को भी जुकाम है लेकिन पार्टी है तो पी लेनी चाहिए। इससे शायद सही भी हो सकती है ना। फाइनली दोस्तों रास्ता खुल चुका है, धूप भी निकल आई है, देख रहे हो ना आप। और हमने सामान भी पैक कर दिया पूरा की पूरा, हमने नहीं मैंने। ये भैया अगली बार, हर बार अपना क्रेडिट क्यों लेते हो, ये होता मतलब ये रस्सी आखिरी में किसी ने अपने अकेले बांध ली थी? रस्सी खिंचवाई इतना बोलेंगे बस। सारा सामान कौन ला के दिया आपको? दिगंता। मैं ला के दिया, दिगंता ने ला के दिया। अरे रहने दे। और ये पाजी यहाँ पता क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनकी बाइक चोरी हो गई, बाइक लेके चले गए। वो कौन ले गया बाइक? पिछली बार ले गए थे तो क्या करके आए थे? ठोक के ले आए थे ना, गाड़ी आ रही है, ठोक के ले आए थे ना। ओ भाई आज पता नहीं क्या करके आने वाले हैं गाड़ी के साथ। दिगंता चला रहा है। अच्छा फिर तो सही होगी, चलो चलते हैं, निकलने का टाइम हो चुका है। यार पता क्या होता, हम ज्यादा देर अगर किसी जगह पर रुक जाते हैं ना तो फिर बॉडी आलसी हो जाती है हमारी। हमें आदत है रोज थोड़े बहुत किलोमीटर चलने की। और क्या, बहुत तेज है वैसे। वैसे तो बहुत तेज ही हूँ मैं, थोड़े तो बड़ा फुर्तीला सबसे पहले उठता सुबह भाई। अच्छा हाँ,
सबसे पहले उठ के सारे काम धाम। ईमानदारी बता दो, खाना जितनी बार भी बनाओ मैंने कभी साथ नहीं दिया। किसका? मैंने, मेरा किसी का भी मेरा साथ कब दिया भाई? खाना पूरा मैं ही बनाता हूँ, साथ क्या दूंगा मैं तेरा? साथ दोगे यार? मतलब मैं कुछ भी करूँ ना मेरे में कमियां ढूंढते रहेंगे बैठ के। कितने बेकार से लोग हैं। मेरा, मैं साथ देता हूँ तेरा। नहीं ठीक है, ठीक है भाई। सुबह उठा मैं 7 बजे, खाना पूरा बनाया, दाल वाल बना के चला गया, खुद सबने खा लिया, मेरा तैयार भी नहीं किया। चलो चलते, नहीं तो मैं तो कहानियां गाता रहूंगा। दोस्तों ये देख रहे हो अपने छोटे पाजी, बस आज पगड़ी थी बांधनी है, जो गदर पाले स्टार कास्ट थे अपने, ये अपने साथ ही जा रहे हैं आगे। पक्का ना? पक्का पक्का भाई। भाई वीडियो में बोल दिया, अब साथ जाना पड़ेगा। भाई साथ जा रहे हैं अपने, अपने पास गाड़ियां हैं 3, बंदे हैं 5। आए हाय मौज होने वाली है अब। वाह टीम हो चुकी है अपनी पूरी। ऐसा लग रहा है ये पूरे जन्नत से गुजर रहे हैं। बारिश होने वाला ना, पूरा मौसम ही चेंज हो चुका है और बहुत प्यारा क्लाइमेट हो रखा है यार। आहा हा हा। एक चीज बहुत अच्छी है बताएं, यहाँ पे ना रोड बहुत अच्छी है कंपैरेटिव टू मिजोरम, क्योंकि ये भी बॉर्डर रोड है और वो भी बॉर्डर रोड है, लेकिन यहाँ की रोड ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों देख रहे हो ना कितनी प्यारी लोकेशन है। हमने ना 3-4 रेस्टोरेंट पे जगह देखी, कहीं पे हमें चाय मिल जाए, हमें चाय नहीं मिली, तो हमने सोचा चाय खुद ही बना लेते हैं प्यारी सी लोकेशन पे। इस लोकेशन पे चाय बनाने जा रहे हैं हम, है ना भाई जी? नहीं इधर बना रहे हैं। अच्छा इस साइड बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं इधर बना लेंगे। अरे अरे यार मैंने भाई। तो दोस्तों बड़ो भैया जा चुके हैं और मेरे को पता था ये चले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही मैंने इनसे पूछा था, पक्का कैमरे के सामने बोल रहे हो, तभी लग रहा था चले जाएंगे। अपना उनका दिवाली है ना फेस्टिवल, इसलिए वो घर, यहाँ उनका घर पास ही है, तो उन्हें चले जाना भी सही था। तो कोई दिक्कत नहीं है, बनने के लिए तैयार हो चुकी है। मैंने गैस लगा दी तरीके से। पहले बता इतनी चाय पीने वाला कौन है? एक बात ईमानदारी था, ये चाय में पानी कितना डाला? ये तो अभी लेके आया हूँ मैंने, पानी चाय इतनी बनानी है। ये ज्यादा चाय बनाने वाला एक ही बंदा है भाई, पर मानेगा नहीं। कोई बात नहीं भाई, हम पीते ज्यादा चाय, बस हम पीते फिर भी इतना कौन फील रहा है? हो जाता है। नहीं भाई ब्यूटेन गैस है। सो दोस्तों चाय देख रहे हो ना, बना लिया अपने यहाँ पे, ठीक है? क्या बनाएंगे? एक मिनट रुक जा मेरे भाई। सो दोस्तों हम चाय बना रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं भाई, बताओ क्या बनाया? चाय बनाने लगे हैं। लाल चाय? हाँ लाल चाय नहीं, ब्लैक टी। ब्लैक टी? अच्छा ब्लैक टी में क्या क्या जाएगा? ब्लैक टी में सिर्फ पत्ती और पानी, वो तो लाल चाय। एक क्रेडिट मेरे को जाना चाहिए क्योंकि मैंने ये आदत डाली है इन सभी में। अच्छा So, दोस्तों बहुत ही बड़ी वाली मजाक हो चुका हमारे साथ, अब हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सारा खाना वाना ये छोड़ के आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पैकिंग करी थी। तो इसकी पैकिंग किसने करी थी वैसे? पैकिंग तो किसी पर, ये थोड़ी दाल बाहर रख दी मैंने, सब रखा होगा। सो हमारा सारा सामान जो हमने खरीदा था थोड़े दिन पहले आगे आने वाले 10 दिनों के लिए, सारा सामान छोड़ दिया हमने पिछले वाले घर पे जहाँ हम रुके हुए थे 0 में। चाय अब किसकी बनानी है? चाय कैंसिल हो चुकी है दोस्तों, अब चाय क्या बना के जब मसाला ही नहीं बचा, ना चाय पत्ती बची ना चीनी बची। चलो इसमें ना किसी की भी गलती नहीं है यार, पता हमने भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि खुद चेकिंग कर लेनी चाहिए सारे सामान की। सो हमने तो चेक नहीं किया और वहाँ कूड़ा का पन्नी समझ के हम अपना अनाज ही छोड़ा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अब ये पानी रह गया, पानी पी लेते खुशी से, और क्या ऑप्शन भी नहीं है कोई इसका। फाइनली वो 6 लोग पता चल गए और फाइनली नहीं दिया, नया खुला। 2 दिन में 3 चैनल खोल दिया उसने। ये हमारा भाई बड़ा यूनिक है कसम से, एक तो रोज रोज नेचुरल रहता है। राम क्या हुआ? मुंह में सुख दे रहा है। अरे भगवान क्या कर रहा है भाई?
बारिश हुई होगी, बारिश हुई होगी, बारिश नहीं। अरे भाई कॉमेडी तो बहुत हो रही है पता है, लेकिन चाय पिए कैसे? चाय तो पता नहीं पीना क्या है उसको, पानी पानी को थोड़ा पिएंगे। रात को खाएंगे क्या? रात को क्या खाएंगे? याद खा रहा है, पेट खाली हो गया, भरा हुआ है। ये भाई वैसे ही कम खाता है, रात को खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक मैं हूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ ये भूखे नहीं सोएंगे। जो भी अभी हम उधर भी हेल्प करेंगे। चलो हेल्प कर देते हैं, सामने गाड़ी खराब हो गई एक। क्या हाथ भी है यार, चलो चलो चलो। अरे भाई गियर तो डालो। अरे ऐसे ही दिल्ली ले जाएगा क्या? चली नहीं, चाय पिएगा? चाय नहीं पिएगा? बहुत बढ़िया बनाया है, पत्ती नहीं डाला है ना चीनी डाला है ना दूध डाला है, पिएगा? अरे यार ये चाय तो इसने भी रिजेक्ट कर दी, अब हम कैसे पिएगा? कोई नहीं चलते हैं अपन आगे। ये देखो ये भाई चाय पी रहा है हमारा, ये भी एक कला है। मैंने बोला था ना चाय यूनिक होगी, बहुत यूनिक होगी थोड़ी। जब हम यहाँ उतरे थे तब भाई कह रहे थे कि चाय यूनिक बनेगी यहाँ, बहुत फाइनली यूनिक बनी गई, इतनी यूनिक बन गई कि हद ही रही उसकी। दोस्तों हमने सामान वापस डाल दिया दिगंता भाई की बाइक पे, अभी आगे चल के कहीं चाय पत्ती लेके फिर आराम से चाय पियेंगे। लेकिन अपना टारगेट तो है ना थोड़ा बहुत ही आगे तक जाना है, उसके बाद चाय तो पीना जरूरी है ना, टी ब्रेक होना जरूरी सी है। वाओ बहुत प्यारी लोकेशन है ना यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। सो जितनी मर्जी तारीफ करूँ ना इन लोकेशंस की उतनी कम है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है। ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, लगता है यहीं रह लो जितना मर्जी रह लो। क्योंकि जीरो से निकलते समय ना बहुत बुरा लग रहा था और बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि दो दिन उस जगह रुक गए थे ना, तो निकलने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। और आगे आते हुए इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन लग रही है ना दिखने के लिए कि मन कर रहा है कि और आगे चलते हैं, शायद कुछ और स्पेशल देखने के लिए मिले। तो ऐसे ही कुछ रहता है सारा ट्रैवल। सोचने की बात यह है कि आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो और जो चीज़ें हम देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो चीज़ आप भी देख रहे हो, तो हम सभी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है ना ये। ओहो वाह वाली, चलते हैं आगे कहीं ना कहीं जगह ढूंढते हैं बढ़िया सी। सो वहीं कुकिंग कर लेंगे, अपनी चाय भी बना लेंगे और कुछ खाने के लिए भी बना लेंगे बढ़िया सा। फिर ना कैसे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे अभी, करके दिखाओ क्या कर रहे थे। कौन से छोटे बच्चे? देखो पहले छोटे बच्चे, ओ एक पाइप ले दो, दुम बचा ले। ये देख लो बेल बजा हुआ आगे, परेशान कर रहे हैं अंदर सबको। परेशान किसी को, सारे तो बाहर बैठे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? कैसे कैसे गाने सुन रहे हो, सपनों की रानी कब आएगी? ओहो फाइनली हमने 6-7 मैगी भी ले लिया ना। हाँ 6-7 मैगी ले लिया, डेयरी मिल्क दूध, दूध भी ले लिया, डेयरी मिल्क दूध, इजी डे एवरीडे। चाय पत्ती ले ली, चाय पत्ती आ गई, और क्या लेना है? और चाय पत्ती भी ले ली, लाल चाय ले ली ना हमने अपने लिए, राजमा भी ले लो। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, गैस सिलेंडर सब कुछ है, जहाँ मन करता है वहाँ बना लेता है खाना, जहाँ मन किया वहाँ खोल के बनाता है। एक बार बेल मैं भी बजा देता हूँ। अरे बस अब जब बच्चे भी आ जाए तभी हटेगा, गाना बहुत हो जाए। मैं जो करूँ तेरे बार ये बार सही 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 लगा गाना बिल्कुल, कोई नेचुरली होता है भाई कभी साथ ही क्यों होता है ऐसा। सो बोला वो जिगंता भी बोला, ये भाई कभी बोलता नहीं था अब ये भी बोलता है। भाई बोला कोई बात नहीं, गरीब इंसान के सब मजे लूट। सो दोस्तों अब हम जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं जगह मिल जाए अच्छी सी बिल्कुल शांति वाली और वादियों के बीच में, वहाँ बैठ के बनाएंगे पहाड़ों वाली मैगी। और हमने वहाँ से ले ली थी चाय, लाल चाय, दो चीज़ें मिला के बना के मस्त पियेंगे। वैसे हमने 20-30 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर समथिंग टोटल कवर कर लेंगे। पहाड़ों में कवर कम हो पाते हैं किलोमीटर्स कंपेयर टू स्टेट रोड, स्टेट रोड में तो ज़्यादा किलोमीटर्स कवर हो ही जाते हैं आराम से। तो ढूंढते हैं बढ़िया सी लोकेशन और फिर मिलते हैं आपको। फाइनली दोस्तों अपने मनपसंद जगह मिल चुकी है, झरने के बगल में हम बनाएंगे खाना, झरने से पानी जो आता है ना उसी पानी को लेकर बनाएंगे खाना, ठीक है, और मस्त मजे लेंगे वादियों के। वाव वाली वादियां भी हैं यहाँ पे देख लो। सो यहाँ बन चुकी है अपनी चाय और इस पे बनेगा अपनी मैगी, और ये रही वादियां। ओहो सनसेट होने वाला बस थोड़ी बहुत देर में, देख लो ना ये रही सी भाई डावर का हनी डाल के अपन पी रहे हैं लाल चाय, मस्त पूरी मौज ली जा रही है। ओ दिगंता भाई कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में बहुत ही गजब
बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लोकेशन में आके चाय पीने का आनंद। अच्छा। आप लोग भी आओ, आप लोग भी ऐसा मजा करो। ओहो, अगर नहीं आ सकते तो पार्टी का ब्लॉग में मजा करते रहो। ओहो क्या बात है। ओहो मैगी देख रहे हो, हाय 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 हाय, बहुत जोर से आएगा किसी काहे पे लुकने का वो खोज लेता हूं मैं। आप लोग रहो, बाय बाय, मिलते हैं। ये भी लाइव दे कैसे लोग ना पाए। तो दोस्तों यहाँ बन चुकी है अपनी मैगी, आए हाय। बारिश भी शुरू हो चुकी है, क्या मस्त लग रही है मैगी। ये देख रहे हो आप छीटे छोटे छोटे से बूंदों में, मजा आ रहा है। ओस गिर रही है, बड़ी प्यारी लग रही है यार। यही मजा है बस जिंदगी का हमारा, घूमते रहो और खाते रहो। आए हाय दिहांता भाई, जरा इधर देखा रहा। सो दोस्तों बारिश हो रही है तो फाइनली हमें कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हम शेड पे रुक सके, नहीं तो पूरा बैग और कपड़े वपड़े सब गीले हो जाएंगे। क्योंकि रेन कवर भी नहीं ना हमारे पास, रेन कवर भी गिर गया हमारा। सो ढूंढना पड़ेगा फटाफट कोई ना कोई जगह। दोस्तों देख रहे हो ना कितना स्लश है यहाँ पे, पर अपनी धन्नो मस्त मक्खन होके जा रही है, ओवरलोड हो बात भी। तो दोस्तों देख रहे हो आप, पूरी जैकेट गीली हो चुकी है अपनी और ये सारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं। आज तो एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका काम। ये भाई भी पूरे गीले दिख रहे हैं और ये देख रहे हो आप, ये भी भाई पूरे गीले हो चुके हैं। सो आज तो हमने एक्सट्रीम लेवल पे राइड कर ली बाइक, इतनी एक्सट्रीम लेवल पर तो आज तक राइड भी नहीं करी। खतरनाक वाला सीन है भाई। बारिश हो रही थी, भाई थोड़ा आगे चले गए थे, ठीक है, और हम भी कहीं रुके नहीं क्योंकि भाई आगे थे। हम सोच रहे थे ये शायद कहीं रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे। रास्ते में काफ़ी जगह निकल गई और फिर बारिश में कीचड़ वीचड़ भी बहुत था और चलते 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 पूरा गीला हो गए। अब हमें एक जगह मिली है रुकने की, पर खाना हमारे पास अभी भी नहीं है। खाना कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा, मतलब खाना बनाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स लेके आने पड़ेंगे क्योंकि हमारे जो इन्ग्रीडियंट्स थे ना वो रह गए पहले घर पर। तो दोस्तों देख रहे हो ना लाइट आ रही है ना कुछ आ रही है, पर हमने सारा सामान लिया। एक दुकान मिली हमें अंधेरे में, ये रही, और पूरा सामान ले लिया। वहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, यहाँ कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो दो दिन का लगभग सामान ले लिया कल सुबह का भी, क्योंकि यहाँ पे खाना बना बनाया भी नहीं मिल रहा है ना, तो ज़रूरी भी है। मिल रहा है क्या कहीं खाना बना रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और अंधेरा हो रखा है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट भी नहीं है बिल्कुल, लाइट कुछ भी नहीं है, और रास्ता का हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। और अभी हम लोग पानी तो ले लिया, इतने में रात भर चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं वापस, दोनों भाई वहाँ इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चूल्हा जलाना बड़ा एक कसरत हो चुकी है क्योंकि पुराना वाला चूल्हा भी ख़राब हो चुका है और नए वाले चूल्हे को बड़ा मेंटेन करके स्टार्ट करने की कोशिश की है। बस चल गया है जैसे जैसे, पर खुदा भरोसे आज हम। ओहो हो, सो दोस्तों हमने ना राइस को थोड़ा अपग्रेड कर दिया, जीरा राइस बनने वाले हैं आज। वाह क्या खुशबू आ रही है, फटाफट डाल देता हूँ चावल। दोस्तों देख रहे हो ना मसालों का तो रंग आ गया, लेकिन जो हमने मेहनत करी ना, तीन चार बार ऐसे चूल्हे से उतारा मैंने, सेट किया चूल्हे को, फिर उठाया फिर लगाया, बस आज कसरत ज़्यादा हो रखी है। बस अपनी मेहनत करते रहते हैं, बन जाए किस तरीके से खाना, क्योंकि खाना खाए बगैर तो नींद आती नहीं, खाली पेट तो कोशिश पूरी पूरी रहती है खाना बढ़िया बन जाए। बस अपना बन ही जाएगा लगभग आज का भी खाना, है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, बुलवाया क्या? बन गया भाई चावल, बता दी भाई चावल बन गया। तो दोस्तों अपना बन चुका मस्त वाला खाना, हाय दिल खुश हो गया भाई। थोड़ा लेट बना ना तो भूख ज़्यादा लगी है, चावल कच्चे तब भी बढ़िया लग रहे हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपको पता क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट करना है, लाइक का बटन है उसे लाइक कर देना है, मन किया तो कमेंट कर देना है। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।